है दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है और आई एम इंजीनियर। तो गाइस आज बात करेंगे वाईफाई के बारे में, जो कि गाइस कोई भी आपका चोरी छुपे वाईफाई यूज तो नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस कुछ साइटें ऐसी होती है जो कि इंटरनेट पे ब्लॉक होती है, कंटिन्यू खोलने से आपके सर्वर को या आपके कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। और गाइस बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि बहुत जगह आपको डेटा लिमिट मिलती है, आप उससे ज़्यादा क्रॉस आ जाते हैं, मेरा वाईफाई 15 दिन के बाद स्लो डाउन हो गया, मेरा वाईफाई 10 दिन के बाद स्लो डाउन हो गया, तो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और गाइस जो भी आपका चोरी छुपे वाईफाई यूज़ कर रहा है, और आपको कैसे यार पता चले कि एक्चुअली मेरा वाईफाई किस फेस में चोरी छुपे यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो गाइस आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी भाषा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाइए सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों हम ट्यूटोरियल के द्वारा समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नॉर्मली आईवी राउटर होते हैं उसमें लास्ट में 1.1 से खुल जाता है या 1.0 से भी खुल जाता है और या 0.1 से भी खुल जाता है। बट बात करें जियो राउटर की तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 2.9.1। यस, आप जियो राउटर यूज़ कर रहे हो तो सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम राउटर का, मुझे लगता है कि राउटर में थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेता है या गैस कंपेयर किसी भी। और इसको मैंने पासवर्ड पहले से शेयर सेव कर रखा था, तो गाइस आपको नहीं मालूम है तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कैसे वो जियो राउटर का पासवर्ड सेट करते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये है जियो राउटर का पूरा इंटरफेस गाइस, और बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आपको ये मिल जाता है, बट हमें स्टेटस बताना है WLAN क्लाइंट क्लिक कर रहा है। जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइस का नाम नहीं दिखाएगा गाइस, यहाँ दिखाएगा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस से आपको डिवाइस आइडेंटिफाई करना है पड़ेगा अपना। वाईफाई मोबाइल सेटिंग में जाते हैं, शॉर्टकट आइकॉन से मच जाइएगा, डायरेक्टली वाईफाई से जाएगा, आपको इसलिए अपना मैक एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस डायरेक्टली इंटरफेस में भी दिखाता है कि कितने क्लाइंट कनेक्ट है, 5 क्लाइंट कनेक्ट है। और यहाँ पे जैसे कि मोर इन्फो में जाते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो इंटरफेस टाइम है वो ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से हैंग हो जाता है राउटर, बट लास्ट में शो कर देता है। यहाँ पे एक्टिव डिवाइस दिखा रहा है, अभी हमने WLAN पे जो देखा था वो वहाँ पे हमें टोटल ऐड डिवाइस दिखा रहा था कि अब तक जितने ऐड डिवाइस ऐड हुए उसकी लिस्ट दिखा रहा था। और यहाँ पे मेरे करंटली यूज एक्टिव डिवाइस दिखा रहा है कि जितने वायरलेस हैं, वहाँ पे टोटल दिखा रहा था कि जो मैंने इथरनेट से भी कनेक्ट कर रखा है तो वहाँ पे वो भी दिखाएगा। और गाइस इसकी माई जियो एप्लीकेशन डायरेक्टली आप इसे मतलब बात करूँ कंट्रोल करते हैं तो उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो मिल जाएगा, आप ईजिली देख पाएंगे। और गाइस आप बहुत ही आसानी से दोनों राउट मतलब माई जियो एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपको मैक एड्रेस नहीं मिलता, आपको ओरिजिनल डिवाइस करना है मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है कि मैक एड्रेस से ही आपको आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों आपने ट्यूटोरियल देखा और जाना एक्चुअली किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि मेरे किस टाइमिंग के बीच में डेटा ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो आपका इंटरनेट और ऑलमोस्ट ब्रॉडबैंड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। बट सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं तो स्पीड भी अच्छी रहती है, कोई दूसरा यूज़ भी कर रहा होगा, डाउनलोडिंग नहीं कर रहा है तो आपका अच्छा इंटरनेट स्पीड मिलती है, बट कंटिन्यू डाउनलोड कर रहा है तो आपकी स्पीड हमेशा लो रहेगी। और गाइस कुछ अच्छे राउटर हैं, जैसे कि गाइस मैंने जो दिखाया आपको जियो राउटर पे दिखाया है, बट आप चाहें TP-Link, D-Link किसी भी कंपनी के राउटर पे इस तरीके से मतलब लॉगिन जरूर डिफरेंट हो सकता है, बट जो इंटरनल फंक्शन होते हैं जैसे कि इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जो मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने डिवाइस आपके राउटर पे कनेक्ट थे और कौन कौन आपका डाटा यूज़ कर रहा था या मिसयूज कर रहा था राउटर का। और गाइस उसे चेंज करने के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, आपके पास जियो राउटर है तो आपको वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।